40 साल से अधिक का सफ़र और 100 से अधिक बड़ी फिल्में दे चुके हमारे साथ फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और नीतू कपूर है, जो जयपुर के अंदर अपनी नई फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर बताएं, एक लंबा मुकाम हासिल किया है आपने, लेकिन वही एनर्जी, क्या कहना चाहेंगे? बस क्या कहना चाहूँगा, आप ही बताइए कि एनर्जी है तो अच्छा है। जब तक एनर्जी दम में दम है, जान है, तो काम करते रहेंगे और एनर्जी के साथ काम करेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, और ये फिल्म जो है 24 जून को रिलीज़ हो रही है, अगर लोगों को पसंद आएगी तो और एनर्जी मिलेगी और अच्छा काम करूंगा दूसरे फ्यूचर फिल्म में, बस यही कहना चाहूँगा। किस तरह की मूवी है और क्या चैलेंज रहा आपके लिए कोई यंग जनरेशन के साथ में कॉम्बिनेशन? डेफिनेटली देखो, हर फिल्म एक चैलेंज तो होता है। यू कांट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार बहुत सालों से काम कर रहे हैं तो आप उसको सीरियसली नहीं लें। कहीं ना कहीं चैलेंज तो होता है, जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे तो अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। और पहली बार मैं नीतू जी के साथ काम कर रहा हूँ, पहली बार वरुण के साथ, पहली बार राज मेहता के साथ, पहली बार कियारा के साथ, और पहली बार मैं करण जौहर की प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। तो ये बड़ी खुशी की बात भी थी, और मैं, नीतू जी कहती हैं कि मैं नर्वस थी, हम सब नर्वस होते हैं कहीं ना कहीं। पहला दिन, पहला जब होता है पूरा एटमॉस्फेयर, ये इसमें सीन कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में चलती रहती हैं। और बस, मगर फिर भी आप मेहनत से काम करते हैं, यू नो, एंड दिल से काम करते हैं, और वो फिर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है। फिल्म के शूट के दौरान की कोई ऐसी यादें जो आपके दिल में? अब एक, मतलब ये कुछ फिल्में होती हैं जिसमें एक दो यादें रह जाती हैं, यार वो दिन ऐसा था, बहुत मज़ा आया, फिर ऐसा था। इस फिल्म में इतनी चीज़ें यू नो अच्छी रही हैं, और या यू नो ऐसी चीज़ें रही हैं जो ऐसे लम्हे रही हैं, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, ऐसे दिन रहे हैं, ऐसी शामें रही हैं, जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कम एक सेपरेट मुझे आपके साथ एक इंटरव्यू करना पड़ेगा। इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। कई बड़े फिल्में दी है, मिस्टर इंडिया हो, राम लखन हो, कर्मा हो, आपको लगता है कि कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसके पहचान भी बनी और आज भी लोग उसके लिए आपको याद करते हैं? क्या होता है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, कुछ करियर्स ऐसे होते हैं कि उनके उनके उनको इतने अच्छे फिल्म मेकर्स, लीडिंग एक्ट्रेसेस, और उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। मुझे लगता है मैं काफ़ी खुशनसीब रहा हूँ, मुझे बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और वो सारी फिल्में मेरे लिए, मुझे लगता है सबके लिए यादगार रहेंगी जिनके साथ मैंने काम किया है। शायद वो मेरे लिए हो ना हो, मगर उनके लिए लोग मुझे देखने गए, यू अंडरस्टैंड, कि यार यश चोपड़ा की फिल्म देखते हैं जाके, यार सुभाष घई की फिल्म देखते हैं। फिल्म के टाइटल के बारे में क्या कहेंगे, जुग जुग जियो? ये टाइटल करण जौहर ने दिया इस फिल्म को, और बड़ा ही बहुत ही हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव टाइटल है, बड़ा blessings. या ब्लेसिंग्स, या ऑडियंस यही बोलेगी आने वाले समय में, जुग जुग जियो अनिल कपूर। और मैं कहूँगा कि जुग जुग जियो, आप सब जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं और फिल्म देखेंगे, जुग जुग जियो। बताएं नीतू जी, लंबे समय बाद वापसी की है आपने, किस तरीके से रहा आपका सफर? ये मैं आपको बताता हूं, ले आऊंगा। आर यू क्रेजी? लेट मी, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अच्छा लगा। कैसा रहा सफर? सफर तो मेरा बहुत ही ईजी जा रहा था, फिर जब ऋषि जी का इंतकाल हुआ उसके बाद, तो मैंने सोचा कि मैं अभी थोड़ा कुछ काम वाम करूँ, बिकॉज अदरवाइज़ लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी गेट बैक टू वर्क, एंड मेरी खुशनसीबी थी कि अनिल जी थे, एंड मेरे अपना घर जैसा माहौल था, सो मेरे को बहुत ही ईजी हुआ। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं और कुछ कर सकती हूँ। सो लेट्स सी क्या होगा। जयपुर के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप आए हैं जयपुर? जयपुर में हमारे बहुत वो है, जान पहचान वाले हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, और आई थिंक मैंने शूटिंग की थी जब मैं उन दिनों, एंड उदयपुर में की थी शूटिंग, मैंने उदयपुर में बहुत शूटिंग की है, गाने वाने किए थे विद फिरोज खान, इफ यू, या सो वे, हाँ जी। सर बताएं, जयपुर शहर आए हैं, क्या खाना पसंद करेंगे यहाँ के? दाल बाटी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर का राजस्थानी खाना तो कमाल का होता ही है, मगर आई थिंक अभी मैंने फिल्म हाल ही में की थार, जो पूरी फिल्म राजस्थान में शूट की,
और लोगों ने बहुत पसंद की राजस्थान की जो लोकेशन, और उसमें एक सीन है जहाँ सतीश के साथ जहाँ हम लोग लाल मांस बनाता है और लाल मांस खाता है, तो राजस्थान का लाल मांस जो है बिसाइड्स दाल बाटी लाल मांस बड़ा फेमस है और मुझे बहुत पसंद है। लास्ट में आप ऑडियंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये हमेशा मेरा लोगों को ये रहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे को इतने साल तक इतना प्यार दिया, और मैं चाहूँगा कि ये फिल्म आप लोग देखें, 24 जून को रिलीज़ हो रही है, और अगर आपने मेरी फिल्में पसंद की हैं, नीतू जी की फिल्म पसंद की है, तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिए। हमने इस फिल्म को बड़े दिल से प्यार से बहुत मेहनत से बनाया, और इसमें वरुण धवन हैं, कियारा अडवाणी हैं, मनीष पॉल और फिल्म के डायरेक्टर हैं राज मेहता साहब, जिन्होंने गुड न्यूज़ बनाई थी और बहुत फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद की थी। करण ने काफ़ी अच्छी और बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्में बनाई हैं पास्ट में, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, कहो ना प्यार, ये सारी फिल्में बनाई हैं, कामयाब रही हैं, और उनका छाप भी है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में ऐसा लगेगा कि आप एक करण जौहर की एक बहुत बड़ी अच्छी साफ सुथरी पूरे परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब जाएँ, परिवार के साथ जाएँ और इन्जॉय करें, मज़ा लें, क्योंकि बड़ा ये 2-3 साल बड़े अजीबोगरीब रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़ें लोगों ने उठाई हैं, बहुत दुख लोगों को हुआ है, पीपल हैव लॉस्ट देयर नियर एंड डियर वंस, और अब जाएंगे थिएटर में जाएंगे, सबके साथ मिलेंगे, और ना कोई जात ना पात, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब जाते हैं थिएटर के अंदर, अंधेरा होता है, सब मिलकर हंसते हैं, खुश होते हैं, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, कोई पॉपकॉर्न खाता है, कोई समोसे खाता है, कोई वेफर्स खाता है, ये बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। कैंटीन इंटरवल में लोग मिलते हैं, देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, फिर थिएटर से बाहर निकलते हैं और जाते हैं घर पर, हमने ये फिल्म देखी, वो गाना अच्छा था, वो अच्छा था, वो सीन था, फिर ये सब बातें होती, उसने ये पहना था, वो पहना था, ये सारी डिस्कशन होती हैं, तो अच्छा लगता है। ये बड़ा एक हिंदुस्तानी फिल्म है, और हिंदुस्तानी फिल्म मैं चाहूँगा कि सारी जो हिंदुस्तानी हैं जो ये फिल्म को लोग फिल्मों को पसंद करते हैं, इस तरह की फिल्मों को पसंद करते हैं, वो जाकर 24 जून को ये फिल्म देखें। ये थे हमारे साथ में फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और नीतू कपूर, जिनकी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो 24 जून को रिलीज़ होगी। उनका यही कहना है कि दर्शक सभी जाएँ और इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस फिल्म में हमें प्यार दें। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़ जयपुर।